शाम के समय में हम लोग छत पे बैडमिंटन खेल रहे थे। ठंडी के मौसम में बैडमिंटन खेलने से बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, तो इसलिए हम चल गए छत पे और जाके बैडमिंटन खेलने लगे। फिर अचानक से बेटे ने कहा कि मम्मा अब मुझे भूख लगी है, कुछ फटाफट से बना दो। मैंने कहा क्या बनाऊँ फिर, तो चलो देखते हैं कि किचन में क्या क्या है। तो जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है मैगी है हमारे पास पड़ा हुआ और कुछ सब्जियां भी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैगी बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैगी नहीं, कुछ अलग बनाते हैं। तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ मैगी स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मैगी, ये 2 मिनट नूडल्स जो आता है वो ले लेना है, सिंपल जो आता है इसमें कोई भी मसाला या कोई भी फ्लेवर वाला नहीं, सिंपल प्लेन वाली मैगी। साथ ही इसमें कुछ सब्जियां डाल लेंगे जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची डाल लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम ले लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधी कटोरी मटर, इसे भी ले लिया है हमने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डाल देंगे तेल, थोड़ा सा डालें या फिर आप यहाँ पे बटर यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची कटी हुई। आप यहाँ पे मिर्ची जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं या फिर एक भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर हमें भून लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें लाल करना है यहाँ पे, हल्का सा इतनी देर भूनना है जितनी देर में प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। मटर हम यहाँ पे पहले डाल लें क्योंकि मटर जो होता है थोड़ा सा उसको पकने में टाइम लगता है। तो मटर को डाल के हमें सबसे पहले थोड़ी देर भून लेना है जिससे कि मटर जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेंगे हम। थोड़ी देर हो गए हैं मटर को भूनते हुए, देखिए मटर जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च और टमाटर। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है एक जो पत्ते वाली प्याज होती है उसका जो पत्ता होता है पीछे का वो ले लिया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। अगर है सीजन में तो आप ले ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेंगे। सब्जी जो है आप कोई भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से या सीजन के हिसाब से। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को हमें हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेना है जिससे कि सब्जियों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे सब्जियों को लाल नहीं करना है हमें। सब्जी जो है सीजन के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं जिस सीजन में जो सब्जी अवेलेबल हो, क्योंकि मैगी तो हर सीजन में अवेलेबल रहता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब्जियां यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम 2 पैकेट मैगी बनाएंगे तो यहाँ पे हम 2 ग्लास पानी डाल लेंगे, 1 ग्लास और एक और ग्लास। ये मैंने 2 ग्लास पानी डाल लिया। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे थोड़ा सा पानी में उबाल आने देंगे। पानी उबलने लगा है, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं जो मैगी में जो टेस्ट मेकर आता है, छोटी छोटी जो पुड़िया होती है वो, तो 2 टेस्ट मेकर हम इसमें डाल देंगे। बस टेस्ट मेकर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस पानी में। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मैगी, बस ऐसे सिर्फ तोड़ के और 2 पार्ट में करके डाल दें। ये जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद मिक्स होने लगता है। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है हमें। मैगी जो है वो सॉफ्ट हो गई है, देखिए खुद ब खुद मिक्स होने लगा है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मैगी का जो पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए इसमें। मैगी में पानी जो है वो एकदम अच्छे से सोख लिया है और हमारा मैगी जो है बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं जब तक हम स्प्रिंग रोल के लिए आटा गूंद लेते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम आगे बनाएंगे, नहीं तो गर्म में हम स्प्रिंग रोल नहीं बना सकते। तो जितनी देर में हम आटा गूंदेंगे स्प्रिंग रोल के लिए उतनी देर में मैगी ठंडा हो जाएगा। तो
स्प्रिंग रोल का आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो इसे आधा मैदा और आधा आटा में भी बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते। नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इससे का एक हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो चूंकि ये मैदा है तो मैदे को बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है जिससे कि उसका जो लचीलापन है वो बरकरार हो जाए, नहीं तो बाद में वो सिकुड़ जाता है। अगर आप आटा में बनाते हैं तब तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो पराठे या रोटी के लिए आटा बनाते गूंदते हैं उस तरीके से आप गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। ये मैंने आटा गूंद लिया, अब इस पे थोड़ा सा तेल या घी लगा के और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए आटे को, अब एक बार इसे फिर से हम अच्छे से मसल लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये मैंने आटे की छोटी छोटी लोई बना ली है, अब इसके लिए घोल तैयार कर लेते हैं जिससे कि हमें जो रोल बनाने के लिए चिपकाना होगा उसके लिए हम एक तरह से इसके लिए हम ग्लू तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे 1 प्लेट और इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या 1 चम्मच मैदा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसे साइड कर लेते हैं, अब आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बेलने के लिए चकला ले लिया है, साथ ही हम ले लेंगे इसमें से 1 लोई और इसे हमें रोटी की तरह एकदम पतला बेलना है। जितना पतला आप बेल सके उतना पतला बेलें इसे। ये मैंने बेल लिया, अब जो हमारा मैगी ठंडा हो गया है उसे इस पे हम बीच में इस तरीके से डाल लेंगे। लंबा करके डालना है हमें क्योंकि हमारा रोल लंबा हमें बनाना है। 1 फोल्ड इस तरीके से दे लेंगे और इसे चिपका देंगे। अब जो हमने घोल तैयार करके रखा है उसे हम हर तरफ से इस तरीके से उंगलियों से लेके और लगा देंगे और ऐसे चिपका देंगे और फिर राउंड करके इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। तो ये हमारा रोल बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे रोल हमें तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से दूसरे रोल भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 रोल तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को मैंने खूब अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस को मीडियम कर देंगे क्योंकि अगर हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम करके और जितनी बड़ी कढ़ाई है उसी हिसाब से हम इसमें रोल डाल लेंगे और इसे उलट पलट करते हुए हमें हर तरफ से लाल कर लेना है जिससे कि ये पूरा क्रिस्पी हो जाए। रोल जो है एक तरफ से हो गया, अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें उलटते पलटते इसे अच्छे से लाल कर लेना है। रोल जो हमारा है दोनों तरफ से अच्छे से हर तरफ से लाल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मैगी स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गया। तो आप भी इस तरीके से इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये मैगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी कैसी लगी।